मैडम आपकी ना ये फोटो भेजी है कोमल मैडम ने, इसमें लिखा हुआ है पहले आपका 92 kg था वेट, फिर हाँ आप सर, हाँ सर, बिल्कुल 2 kg हुआ और अब आपका 52 kg हो गया। जी सर। तो मैडम ये तो करीब करीब 40 किलो वजन कम हो गया। जी सर, जी सर, आप 32 बार से मुझे टोटल 29 kg वेट लॉस हुआ है सर। और 11 kg मैंने, और एक चीज मतलब पहले और भी कुछ करा था तो उसमें कैसे हुआ था, लेकिन 32 बार से मुझे टोटल 29 किलो हुआ है। किया आपने, क्या किया? तो सर पहले जब मेरा डिलीवरी हुआ उसके बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और 92 से भी ज्यादा था उस टाइम। तो मुझे मतलब शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होता है घुटने में, बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो मैं डॉक्टर्स भी दिखाए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज, डाइट वगैरह, कीटो डाइट जो आते हैं ना, उनको भी मैंने ट्राई किया। तो मुश्किल से मेरा 3.5 किलो वेट लॉस हुआ था, बहुत मुश्किल से। फिर मैंने थक गए, मतलब हार मान ली कि बस नहीं होगा, मोटापे के साथ मुझे जीना ही है और कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अचानक एक दिन हस्बैंड का फोन, मैंने कॉल करके देख रहे थे ऐसे ही वेट लॉस कुछ, तो मुझे 32 बार फॉर्मूला दिख गया। तो पहले तो उतना लगा ही नहीं कि क्या है। तो फिर जब मैंने एक दिन वीडियो देखा तो आपको नोटिफिकेशन आते रहते थे, तो मैंने फिर देखा तो मुझे एक उम्मीद हो गया कि नहीं एक बार ट्राई करके देखते हैं। इतना सारा कुछ कर लिया नहीं हो रहा है तो इसको एक बार करके देखते हैं। पहले मंथ में मेरा 11 किलो वेट लॉस हुआ था, फर्स्ट मंथ एक में। ही और महीने में साथ ही क्या? साथ एक बात मैं, हाँ सर बिल्कुल, एक बात बताना चाहूंगी सर मैं आपको। मेरा बेटा का जो स्कूल रहता है वो 7 बजे से रहता है, 6:40 में हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। 7 बजे उसको एंटर कराती हूँ और उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। तो मैं 7 बजे से लेकर 8:30 बजे, मतलब 1 घंटा 40 मिनट का वॉक करती हूँ डेली, और मेरा 10,000 स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसको कभी स्किप नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बट 1 घंटा 40 मिनट का वॉक मुझे करना ही करना है। तो ये मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आया है सर। जो लोग देखते हैं अगल बगल में पहचान नहीं पाते कि वो मैं ही हूँ। दो चीज जो मुझे बहुत फायदा हुआ है, पहला तो जॉइंट पेन जो मुझे बहुत रहता था वो बिल्कुल नहीं है, और दूसरी सर एसिडिटी गैस का मुझे बहुत प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम होता था, तो वेरी वो मेरा सॉल्व हो गया। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मशीन में बैठती थी ना सर, तो 1 घंटा से ज्यादा नहीं बैठ पाती थी। बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि मैं सी सेक्शन मदर हूँ, तो इसीलिए। लेकिन अभी अगर मैं 4 से 5 घंटे पे बैठ जाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अरे वाह 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 वाह। और मैडम अभी एज कितनी है आपकी? वैसे महिलाओं से पूछनी नहीं चाहिए, मेरी लेकिन फिर भी 26 है सर, 26। 26। वाह वाह वाह। आप मतलब मैडम ये भी एक हैरानी की बात है, इतनी छोटी एज के अंदर आपको घुटनों का दर्द हो गया था शुरू। जी सर, डॉक्टर ने बोला कि ये हैवी वेट के वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा ठीक। और हाइट कितनी है आपकी? 5'3" है सर 5'3" है, तो 5'3" की जी सर, हाइट में आपका 92 किलो वजन हो गया था, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा था सर, उससे भी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे वेट लॉस करने का इतना जज्बा क्यों था। तो जब सी सेक्शन होकर ओटी से निकल कर जब बेड में दिया जाता है पेशेंट्स को, तो वहां पर मुझे उठाने के लिए 6 नर्स मतलब उठाया मुझे मिलके। तो वो लोग जब बोल रहे थे कि ये इंसान है कि हाथी है, तो मुझे वो चीज बहुत दिल पे लग गया सर। मतलब इतना एम्बेरस फील हो रहा था उस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसी टाइम से मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पतले होना ही कितने दिनों में चमत्कार हुआ है मैडम, ये जो 29 किलो है। 5 वजन? महीने में, सिर्फ 5 महीने अरे वाह 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 में। वाह, लगभग लगभग 6 किलो और हर महीने अभी कम हुआ मेरा है। 32 बार करते हुए सर 7 महीना चल रहा है, 7 मंथ चल रहा है 32 बार करते हुए। जी, तो तो सर मैं अभी रमजान से इसको, अभी मेरा सिर्फ वेट को मैनेज करना है क्योंकि मेरा 52 हो गया, तो मुझे और वेट लॉस नहीं करना है। तो मैं अभी, मेरा हस्बैंड बोल रहा है बस और मत करो, बस आप उसको मैनेज करो। मैडम उसके लिए मैनेज के लिए भी कुछ नहीं करना, 32 बार करते रहो, वो अपने आप मैनेज ही रहता है, और कम वो नहीं। मेरा आदत हो गया सर, वो मेरा आदत हो गया। जितना भगवान ने जरूरी बनाया है ना हमारा वेट, उतना ही रहेगा और नीचे नहीं जाएगा। वो बेफिक्र रहो, आप 32 बार नहीं करते ही नहीं रहो। कुछ नहीं, अभी 1 किलो भी नहीं कम हो रहा है सर। हाँ, तो जितना जरूरी था बॉडी के लिए उतना आपका हो जाएगा। और इसमें सबसे मजे की बात तो यह है, ना ही इसके लिए कोई मेंटेनेंस प्लान लगाना पड़ता,
आप नॉर्मल जो कुछ भी खा रहे हैं वही खाएं, बस धीरे धीरे खाएं, और आपका जो जितना भगवान ने जरूरी बनाया उतने वजन पे आपका आ जाएगा। आपने ये देखा मैडम कितना कम हो गया, जैसे आप लंच करते हो, डाइट पहले और अब में कम हुआ है या उतना का उतना है? बहुत 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 सर, पहले मतलब जब खाने बैठते तो क्वांटिटी नहीं देखते कि इतना मतलब खाए जा रहा है, बात करते हैं, गप करते हैं, खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन अभी मैं अलग से खाना खाती हूँ, सबके साथ उतना नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बात करते करते ना आप बहुत ज्यादा खा लेते तो पता नहीं चलता है, और अकेले कितना बैठ के जब मन लगा के खाते हैं तो पता चलता है सर। टाइम लेते हैं आप खाना फिनिश करने में? कितना 40 मिनट टाइम? लगता है सर, मुझे रोज लंच करते 40 मिनट। 40 मिनट लगता है। तो अस्मीना जी, मैं एक चीज और चाह रहा था, क्या इस समय आपकी किचन में चावल है रेडी, बने हुए रखे हैं इस समय थोड़े बहुत? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल है सर। हम होल्ड पे रहेंगे, आप एक बार ना थोड़े से चावल ले, क्योंकि मेरे पास ये सवाल सबसे ज्यादा आता है कि चावल, वैसे तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि चावल को कैसे चबाएं, लेकिन आप वो बताएंगे मैं तो देखी है बनाएंगे। सर। आप एक बार हम जी होल्ड सर, पे, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सर, चावल ले, बिल्कुल मैं लाती हूँ। आप चम्मच से खाते हैं हाथ से खाते हैं, पहले तो ये बताएं। हाँ, चम्मच से सर, जो आपने बोला था छोटा वाला चम्मच का इस्तेमाल करना है, मैं ये देखिए छोटा वाला चम्मच का इस्तेमाल, ये मेरा बेटा का चम्मच है तो मैं ओके, इसी से खाना खाती हूँ। और इसमें लेकिन जो देखिए मैंने दाल लिए हैं, सब्जी लिए हैं, एक मिक्स सब्जी और एक अंडा लिए हैं, पहले मैं इस तरह से इसको मिक्स करती हूँ, इसमें थोड़ा सा सामने वाला जो हिस्सा है इसमें खाना लेती हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि चावल को कैसे 32 बार चबाएं, बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि अस्मीना जी जो हमारे साथ है ना, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर चावल ही खाया जाता है। अभी आपको चावल को भी खा के दिखाएंगी। पहले तो चम्मच को छोटा लेना है, फिर दूसरा स्टेप है कि चम्मच को पूरा नहीं भरना, चम्मच को भी जी सर, आगे का हिस्सा भरना है। तो ये अभी आपको करके दिखाएंगे, देखो चम्मच को कैसे इन्होंने। देखिए ये छोटा वाला चम्मच है और जी वेरी इसको मैंने इतना सा भरना है, हाफ, जो पीछे वाला हिस्सा है वो मैं नहीं भरती हूँ, आगे गुड, वाला हिस्सा सिर्फ, वेरी और गुड, इसको 32 टाइम आंख आंख बंद करके काउंट करती हूँ। जी आप लोग भी काउंट करें। देखिए अब हम बोलेंगे नहीं, काउंट करें और उनकी स्पीड को देखिए। आप सहजता से जैसे नॉर्मली खाते हैं आप वैसे ही खाते रहिए अस्मिना जी, हम अपने आप काउंट कर लेंगे। तो सर और एक बात मैं बताना चाहूंगी, जिस दिन मटन खाती हूँ हाँ तो हाँ मटन हाँ जो होता है ना 32 बार में वो नहीं होता है लिक्विड, तो उसमें अगर 50 लग जाते हैं, 60 लग जाते हैं, 80 लग जाते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उतने टाइम उसको च्यू करता हूँ जब तक वो लिक्विड नहीं होते हैं, ओके मैं एक चीज और तो यहाँ मैं पे इस तरह से। क्लियर, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर। हमारी जो ये वीडियो है ना, दुनिया भर में देखी जाती है, तो वेस्ट जी सर, बंगाल जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग नॉन वेज भी खाते हैं साथ में, तो वहाँ मतलब एक ये संस्कृति का भाग है। तो जब आपको मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ जिन राज्यों में लोग वेजिटेरियन हैं, मतलब लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो वो चावल के साथ में एक छोटा सा टुकड़ा या तो कुकुम्बर का ले लीजिए या प्याज का ले लीजिए, कोई भी एक सलाद का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि चावल के साथ ये मटन, या कई बार जैसे कुछ भी नॉन वेज साथ में खाते हैं तो वो तो 60 या 70 बार उसको चबा लेते हैं। अगर आप भी साथ में एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा ले लेंगे तो उसको भी बहुत ज्यादा बार चबाया जा सकता है। और क्या प्रिकॉशन लेने हैं मैडम चावल को धीरे चबाते समय, और क्या प्रिकॉशन लेने हैं? तो सर जब चावल को चावल में मैं उसको फिल करती हूँ, मुझे मेरी जो दांत है उसके हर हिस्से में उसको फिल करती हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कितना चबा है, वो लिक्विड हुआ कि नहीं, कोई दाना तो नहीं रह गया, मैं इस चीज का बहुत ध्यान दूँ। मेरे दिमाग में बस उस टाइम वही चलता है कि कोई दाना, बस मतलब उसको दाना ना छूट जाए, ऐसा हो कि जब वो पानी हो जाए और मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे अभी लेना है तो मैं तब उसको इंटेक करती हूँ। और वेरी एक गुड, बात सर, हम लोग जैसे बंगाली है तो मेरे घर में फिश जो होता है वो हाँ हाँ बहुत ज्यादा होता है, मतलब जी एक ऐसा दिन नहीं होता है जिसमें फिश नहीं होता है, तो जी मैं सिर्फ दोपहर में ही लेती हूँ और एक फिश लेती हूँ, सारा खाना पहले चावल वगैरह जो होता है वो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं फिश को खाती हूँ। जैसे मैं चावल लिया अभी, पहले दाल चावल खा लूंगी, फिर सब्जी खाऊंगी, फिर अंडा खाऊंगी, एक जी साथ में तीनों को ऐसे नहीं खाऊंगी, एक एक करके खाऊंगी, ओके तो ऐसे अभी ये जितना तो आपकी उसमें प्लेट में है खाना, इतने से खाने को खाने में कितनी देर लग जाती है?
40 मिनट्स लगता है सर, मेरा रोज 40 मिनट्स लगता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी ये देखो मेरा एक कटोरी है, उस कटोरी के हिसाब से मैं रोज चावल लेती हूँ, तो मेरा रोज इतना ही क्वांटिटी में आता है, ज्यादा कम नहीं आते हैं, और इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ, ये जबड़ा दुख जाते हैं सर। जी, ये भी बता दिया पोर्शन का साइज, जो आपका बाइट का साइज है वो बहुत छोटा लेते हैं, और साथ में उसको खूब देर तक चबाते हैं, जब वो पानी बन जाता है फिर अंदर लेके जाते हैं। टाइमिंग भी आपने बता दिया, लगभग 40 मिनट आपको खाना खाने में लगते हैं। किसी को भी अपना वजन घटाना हो तो जल्दी मत खाना भैया, बड़े आराम आराम से खाओ, 30 मिनट तो कम से कम लो ही लो। और अगला जो स्टेप है मैडम, आप वो ग्रीन टी भी पीते हैं? जी सर, अभी मैं पीती हूँ सर, जी, कितनी बार पीते हैं दिन में ग्रीन टी आप? 2 बार सर, एक बार मैं लंच के बाद एक बार पीती हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ रोज, और हाँ, मैं एक ही बार में लंच के 1 घंटे बाद पीती हूँ, और इवनिंग में जो भी स्नैक्स लेती हूँ उसके साथ में ग्रीन टी लेती हूँ सर। ओके, मतलब कम खाना खाने से ऐसा नहीं हुआ कि एनर्जी भी कम हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और अब एक बात और बताओ, जब मोटे होते हैं इंसान तो काम काज करने में तो पहले प्रॉब्लम होता है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी काम करते ही थक जाते हैं, लेकिन अभी बॉडी में इतना ज्यादा एनर्जी रहता है, पूरा दिन दौड़ते रहती हूँ, मेरा छोटा बेबी है घर का, मैं एक लौती बहू हूँ, मेरा 6 मेंबर का फैमिली है, तो सारा काम काज भी करती हूँ, मशीन भी करती हूँ, बच्चे को मैं खुद पढ़ाती हूँ, स्कूल लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते है, फिर मैं 1.5 घंटा के वॉक भी करती हूँ, बाजार वहीं से करके आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैडम, इससे आसान कोई दुनिया में तरीका भी देखा है वजन घटाने का? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जो हम ओवर ईटिंग करते हैं ना, उससे आपको बचाती है, हमारे बॉडी को उतना खाने का जरूरत है ही नहीं जितना हम लोग खा लेते हैं, तो मैंने ये चीज बहुत अच्छे से सीखा है कि हमारे बॉडी को बस इतना ही चाहिए, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा जबरदस्ती खाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिस वजह से हम मोटे हो जाते हैं, तो ये चीज मैंने वेरी सीखी है सर। नाइस, वेरी नाइस। और आपसे हमने कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया मैडम वजन कम करवाने का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कैसे बातें करें, नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं, लोगों को लगता है ना कि इतना वजन कम हो गया तो जरूर कुछ ना कुछ पे किया होगा, मैंने आपको नहीं कुछ नहीं नहीं बताया तो आपसे बिल्कुल आपका 1 रुपया भी नहीं लगा ये वजन कम करने में। नहीं, नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। मेरा लगभग इंच लॉस जो हुआ है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ आपसे, तो वो मुझे 7 इंच हुआ लॉस, मेरा जो इंच लॉस हुआ सर, बहुत खूब, बहुत खूब। कपड़े सब ढीले हो गए पहले वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी आप, मैं आप खुद अपने लिए बहुत अच्छे से डिजाइन करती हूँ, पहनती हूँ, पहले एक टाइम था कि मैं सेल्फी नहीं लेती थी कभी भी नहीं, जो फोटो आपको भेजे है वो मेरे हस्बैंड ने लिया था शादी वगैरह में, लेकिन मैंने अपने से कभी अपना फोटो नहीं खींचे थे, अभी मैं जहाँ जाती हूँ पहले कैमरा ऑन करके सेल्फी लेती हूँ अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले आईना में नहीं देखते थे खुद के शक्ल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था आईना देखना, फिर मैंने घर में ही अपना आईना लगवाया कि मुझे खुद को देखना है, इसीलिए। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जी हमारे दर्शकों के लिए? जी जी सर, बिल्कुल सर। तो जी गाइस, आप लोग भी 32 बार करिए मेरी जैसा, जिनको मोटापे से परेशानी है प्लीज 32 बार को फॉलो कीजिए, इससे अच्छा फॉर्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इस तो सिर्फ आपका वेट लॉस नहीं करते, आपका जितने सारे बीमारी है ना वो भी जड़ से खत्म कर देंगे इसको, और आप लोग करिए मेरे जैसा, मेरा घुटनों का जो भी दर्द था, माइग्रेन प्रॉब्लम था, बैक पेन होता था मुझे, हर एक चीज मेरा सॉल्व हो चुका है, और मैं अभी बहुत अच्छी हूँ, फिट हूँ, तो आप लोग प्लीज करिए, और सर को बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे जैसा, दिल से दुआ दीजिए कि सर और आगे बढ़े और मेरी जैसा लेडीज को और भी फायदा हो सर। थैंक यू अस्मीना जी। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, अस्मीना जी हमारे साथ हैं, एक समय इनका 92 किलो वजन का हुआ करता था, आज इनका 52 किलो वजन है, और जिसमें से कुछ वजन तो इन्होंने और किसी तरीके से कम किया है, लेकिन 29 किलो वजन इन्होंने 32 बार के फॉर्मूला से कम किया। ये ज्यादातर डाइट में चावल खाती हैं, और चावल खाने के बावजूद भी इन्होंने अपना वजन कम किया, खाना कम हो गया उसके बाद भी एनर्जी कम नहीं हुई, सुपर एनर्जेटिक हो गई, उनके घुटनों का दर्द ठीक हो गया, इनका माइग्रेन की समस्या दूर हो गई, सुपर एनर्जेटिक हो गई, 2 घंटा दिन में वॉक भी कर लेती हैं, अपनी सिलाई का काम भी करती हैं, बहुत खुश हैं, आप इनको देख रहे हैं, 7 इंच कमर का साइज कम हो गया। ये सब कैसे हुआ? 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करने से। 32 बार बोलता है कि आप सिर्फ और रोटी, सिर्फ 32 बार से, जी 32 बार बोलता है कि आप रोटी खाएं या चावल खाएं, आपका जो निवाले का साइज है, जो मुंह में जाएगा आपका,
वो उसका साइज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो हमारे अंगूठे का नाखून है ना, इसके बराबर का रोटी का टुकड़ा होना चाहिए। और अगर आप चावल खा रहे हैं तो इन्होंने दिखाया छोटा चम्मच भी पूरा नहीं भरती, सिर्फ हाफ चम्मच को भरती है खाते समय। उसको मुंह में डाला, खूब चबाओ। अगर आप चावल खा रहे हैं तो साथ में एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा ले लो, चबाते जाओ चबाते जाओ, जब वो पानी बन जाए फिर उसको अंदर लेके जाओ। खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लगना चाहिए, अस्मिना जी तो 40 मिनट लगाती हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में ये 5 बातें फॉलो करेगा तो उसका वजन पक्का कम होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, अस्मिना जी को खूब दुआएं देना, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजना ताकि उनको भी फायदा हो सके। और अगर आप वजन घटाने के लिए ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो वजन घटाने के लिए दुनिया की जो बेस्ट ग्रीन टी है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे भी दिखाई दे रही होगी आपको, मीशो से भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी, अमेजोन से भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। भविष्य में फिर से जुड़ेंगे जी थैंक यू सो आपसे। मच सर, आपको थैंक यू सर, थैंक थैंक यू मैडम, यू थैंक सो मच, यू। ओके जी, बाय थैंक यू बाय। सर।